नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए का शादी शगुन देगी मोदी सरकार। आखिर किस प्रकार, जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के मकसद से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि बतौर शादी शगुन देगी जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करेंगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधीन संस्था मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन ने मुस्लिम लड़कियों की मदद के लिए ये कदम उठाने का फैसला किया है। MEF का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि लड़कियाँ विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर की पढ़ाई पूरी कर सके। इस कदम को अभी आरंभ तौर पर शादी शगुन नाम दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लड़कियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ फैसले किए गए, जिनमें ये फैसला प्रमुख है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि अब 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाली मुस्लिम बच्चियों को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब तक 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिल रही थी, लेकिन जो इसमें MEF के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज ने एक बड़े हिस्से में आज भी मुस्लिम बच्चियां उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसकी एक बड़ी वजह आर्थिक तंगी है। हमारा मकसद बच्चियों और ख़ासकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना है, लड़कियां कम से कम स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करें। ऐसे में शादी शगुन के तौर पर 51,000 रुपये की राशि का फैसला किया गया है। उन्होंने ये कहा, यह राशि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे हमें उम्मीद है कि मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लोगों का हौसला बढ़ेगा। कोषाध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में वेबसाइट तैयार की जा रही है और इसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शादी शगुन की ये राशि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली उन्हीं मुस्लिम लड़कियों को मिलेगी जिन्होंने स्कूली स्तर पर MEF की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति हासिल होगी। अंसारी ने MEF में इस नए कदम का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मुख्तार अब्बास नकवी के प्रयासों को कहा। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सच करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने सशक्त नेतृत्व और नकवी जी के प्रयासों का नतीजा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी संबंधी जो भी आपके हित में लेटेस्ट न्यूज आए उनकी सूचना हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे संबंधी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।